So what is up wanted army, welcome back to another PUBG Mobile video. So guys, आज हम आ चुके हैं यहाँ पर अब मिलिट्री बेस में जहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं. तुम सब जानते हो यार बहुत कम कंटेंट है मेरा, ठीक है. और ये वीडियो यार जो जो अपने स्टार्टिंग में देखा और जो थंबनेल में देखा वो बिल्कुल सही है, वैसा ही कुछ होने वाला है इस वीडियो में. बस ये स्टार्टिंग का थोड़ा सा सीन है, बोरिंग सा है, मैं जानता हूँ मिलिट्री बेस है तो मुझे यहाँ की इतनी आदत भी नहीं है. यहाँ बस मैंने किल चोरी की है और करवाई है, ठीक है. ये देखो भाई, अब इस बंदे का क्या हुआ कि टावर से बंदा नोक हुआ लेकिन इसका किल मैंने चोरी कर लिया, ठीक है. ये देखो किल किल कर दिया, ठीक है. अब दूसरे वाले को जब मैं मारने लगा उठ के, अभी मारूंगा देखो उठ के मारो, तो उस बंदे को लगता है मिलिट्री बेस आने का पूरा पूरा हिसाब है. उसको पता है कि उसको गोली नहीं लग सकती साइड से, लेकिन भाई हम भी फिर जोर जो पुल वाले हैं, हम भी बंदरों की तरह उछल उछल के मारना जानते हैं. तो यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर ऊपर आ गया, बस सिंपली कुछ नहीं किया, बस आके एक हेड मारा और ये बेचारा नोक हो गया. अब उस जो टावर लेने उसको नोक किया था उसका किल मैंने चुराया और इसका किल अब टावर लेने चुरा लिया, तो यानी कि हिसाब हमारा बराबर. लेकिन ऐसे थोड़ी भाई, इनका और बंदे भी तो होंगे जो यहाँ मिलिट्री बेस बैठे थे. तो इसको मैं नोक कर रहा था लेकिन टावर वाले ने इसको नोक कर दिया और मैं अब इसका किल चुराऊंगा, समझ रहे हो. यहाँ तक कि अब कौन जीता, मैं जीत गया. और मतलब इसको तो मारने के बाद मैं टावर वाले को ही मार दूंगा ताकि भाई हिसाब किताब पूरा खत्म, जाके लॉबी में बात कर अपने बंदों से कि ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है. हो सकता है वो भी वाइटी हो, उसको भी कॉन्टेंट चाहिए हो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं. तो क्या है कि देखो हमें यहाँ पर फ्लेयर गन मिल चुकी है अभी तक. तो अब क्या है कि फ्लेयर गन मैं चला दूंगा, वो सीन मैं नहीं दिखाऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए. तो बस इसको मार दिया, टावर वाला खत्म ऑलरेडी यहाँ पे. और इस स्क्वाड का शायद एक बंदा कहीं भाग गया था. तो फ्लेयर चला के हमारे पास M249 आ चुके हैं और यहाँ से हो गया सीन पूरा स्टार्ट. अब ये देखो भाई, यहाँ पर मैं टैप टैप करके मार रहा हूँ, ठीक है. इसके बाद ये डीपी मुझसे संभली क्यों नहीं, इसका रीज़न ये है कि मैंने 3x की सेंसिटिविटी M4 के हिसाब से सेट कर रखी है. तो मैं डीपी चला रहा हूँ तो मुझसे थोड़ा काफ़ी टाइम बाद डीपी मैंने हैंडल करी तो इसलिए हुआ नहीं. उसके बाद भाई हमें थोड़ा सा दिमाग लगाया, उन्होंने स्मोक किया, मतलब उनका विजन पूरा ब्लॉक है. यहाँ पर मैं बिल्कुल ओपन जा सकता हूँ और मैं ओपन गया क्योंकि मुझे पता है उनका बंदा नोक है, दूसरा बंदा काफ़ी लोग है तो हील करेगा वो. तो यहाँ पर मैं रैंडम बस नेट डाले जा रहा हूँ और लेट गया क्योंकि वो रैंडम स्प्रे देना स्टार्ट हो चुका था वहाँ से. अब यहाँ पर सिंपल सी बात है भाई, M249 हाथ में और नेट से दो फट चुके हैं तो भाई लास्ट में इसको तो खाई जाएंगे, ठीक है. अब इतना हुआ ही था, हम इनको प्यार से लूट रहे थे, बड़े ही प्यार से लूट रहे थे कि सामने से एक गाड़ी रश कर देती है हमारे ऊपर. 6-3 बनाया और यहाँ पर देखो भाई थप्पड़े मतलब एंड तक गाड़ी खून खून होती गई. वो देखो भाई गए, अब वहाँ पर क्या है कि बस सिंपली मैं पीछे अपनी गाड़ी लेने गया, मैं कहा तुम पुश करो मैं गाड़ी लेके आता हूँ. फिर देखा भाई ये नोक वाला बंदा बेचारा, मैं कहा चलो इसको मुक्ति दे देते हैं, कहीं बेचारा ऐसे ही बैठा हो, तो इसको मुक्ति दे दी हमने. उसके बाद आगे पुश कर रहे हैं और क्या हुआ कि भाई नेट डाल के ख़त्म कर दिया हमारा T2 में नोक हो गया था और नेट डाल के रैंडम ने इसको ख़त्म कर दिया. नंबर 3 रैंडम है और नंबर 1 भी रैंडम था. तो अब ये वाला सीन था, ध्यान से देखना. सो आशा करता हूँ तुमने ये सब सीन थोड़ा ध्यान से देखा होगा. अब उसके बाद क्या है कि बहुत वो खतरनाक सीन था ही, मुझे बहुत अच्छा लगा लिटरली. मतलब जब से गाड़ी आई और जब तक गाड़ी गई, जब तक वो चार बंदे गाड़ी थे, गाड़ी में से खून ही खून निकलता हो गया भाई, मतलब मज़ा आ गया. 100 में से 98 गोलियां मैंने पेल दी उनके ऊपर. अब उसके बाद क्या है कि भाई यहाँ पर चल रही थी पार्टी और हम आगे थर्ड पार्टी करने, ठीक है. अब पार्टी में थर्ड पार्टी यानी कि बड़ी वाली पार्टी यहाँ पे होने वाला है, बूम बाम एज कम्पेयर टू मॉडल, ठीक है. तो यहाँ पर थोड़ा फुटस्टेप आया था, मैं रैंडम स्प्रे दे रहा था, इतने में बेचारा खुद ही बाहर आ गया और एक को पता नहीं क्या समझ चढ़ी कि गाड़ी लेके आ रहा था. इसके बाद एक हेड कनेक्ट हुआ भी और उसके बाद भाई पीछे से एम के बड़ा सच्ची डरा दिया इस बंदे ने, तो इसको भी बस पेल दिया हमने, कुछ खास किया नहीं, बस पेल दिया और यहाँ पर हो गया ओल्ड हेड, ठीक है. अब इसके बाद क्या है कि आगे एक और स्क्वाड है, तो पहले तो यहाँ पे मैं थोड़ा रैंडम पता नहीं इसको भी क्या हुआ एनिमीज हेड करता हुआ चला गया यहाँ से और अकेला ही जाके पुश कर बैठा और कहता भाई मुझे बैकअप दो. मतलब क्या सीन भाई, चाहता क्या है तू, तेरा दिमाग खराब है क्या. मतलब एनिमीज हेड करता हुआ जा रहा है और आगे जाके रुक गया और कहता वहाँ बंदे हैं बचाओ. मतलब भाई क्या ठीक है तू, मैं तो इतना चाहता था इससे, ठीक है भाई तू. मैं इसको क्या नाम है कवर फायर देने के नाम पे बस ओम चलाया जा रहा हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा ही एमो मेरे पास. इतने में क्या होता है कि एक गाड़ी हमारे ऊपर पुश कर देती है, तो मेरा ये तुक्का तो लगा नहीं ओम वाला. तो 2-3 नेट डाल दिए मैंने और यहाँ पर एक बंदा जो अलग आया था उसके ऊपर 3x लगा के यहाँ पे स्प्रे कर दिया. 6-3 बनाया, इसलिए 3x बोला, मैं गलती बोल रहा अभी.
तो इसमें स्प्रे कर दिया, बेचारा डर गया और निकल गया यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद मैंने एक आध नेड और फेंक दिया और आराम से बैठ के अपनी M249 रिलोड करूँगा। इतने में क्या हुआ कि हमारा नंबर 3 यानी कि हमारा रैंडम मौत का शिकार हो गया, ठीक है, इसको मार दिया गया है। उसमें पूरी पूरी उसकी गलती है भाई, मैं उसकी जिम्मेवारी नहीं ली थी, ना हमने कुछ कहा था उसको कि वहाँ जा भाई, इतनी अच्छी रीत जाए जोन में है तो तुझे क्या जरूरत है वहाँ जाने की। अब इतना अच्छा रीज हमने होल्ड कर रखा है, अभी स्क्वाड को हम इस रीज से ही खाएंगे। यहाँ पे कवर ले लेके कवर बना बना के इनको खा जाएंगे, अभी देखना, ये सीन भी अच्छा है। और गाइज एक और चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि हर एक गेम के लास्ट में या फिर पहले ना एक छोटा सा क्विक गेम ले, मतलब जिसमें हम लगभग चिकन डिनर करने वाले होते हैं लेकिन कोई छोटी सी गलती की वजह से मर जाते हैं, तो वो डालने स्टार्ट कर दो क्विक गेम ले, मतलब बिल्कुल छोटा सा होगा, सिर्फ फाइट टू फाइट होगा, उसके बाद अपना जो रियल कंटेंट होगा वो स्टार्ट होगा आगे। तो अगर वो चाहते हो कि हो तो मैं थोड़ा नीचे कर दो, कमेंट बॉक्स में बता दो। और ये देखो भाई, ये बंदा चला के दिखाया था बेचारा, छोटा सा फ्लैंक किया मैंने इसको, छोटा सा थप्पड़ मार दिया। अब मैंने रैंडम बोली की थी लेकिन मुझे क्या पता था गाड़ी वहीं पे खड़ी है और वहाँ पे बंदे सोए हुए हैं, तो इनको तो लिटरली खा गए हम लोग, खा गए मतलब क्लियरली खा गए, चबा गए, पकड़ गए। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि भाई लास्ट में बचे हैं 2 बंदे, 2 vs 2, यानी कि कॉन्टेंट तैयार होने वाला है मेरा, मतलब लिटरली मैं दिमाग बस घूमने वाला है, बस बन गया कंटेंट, बन गया टीटो वगैरह था भी बचा ले। सो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ फ्लैंक करके, उसके बाद इनको इन लोगों को कोई आइडिया नहीं था, जितने में आइडिया हुआ इतने में तो टीटो एक बंदा खा गया और दूसरा मैं खा गया। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड गाइज एक और छोटी सी बात बताना कि यार मेरी वीडियो की लेंथ कितनी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे इसका बिल्कुल आइडिया लग नहीं रहा कि कितनी लेंथ बनाऊँ, तो कमेंट बॉक्स में हो सके तो मेंशन कर देना, नहीं करोगे तब भी कोई बात नहीं, मैं अपने अकॉर्डिंग ऐसे बनाता रहूँगा। धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.